नमस्कार, होम डेकोर आइडियाज देसी अंदाज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक गार्डन DIY करके दिखाऊंगी। उसके लिए मुझे कुछ ये छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स बोल सकते हो आप इसको, छोटे बड़े, ज़्यादा बड़े भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ के चाहिए और छोटे भी चल सकते हैं। इस टाइप से हम लेंगे और एक फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर। ब्रश की सहायता से हम सारे पेबल्स को पेंट करेंगे। और ये मैंने कुछ धागा लिया है बांधने के लिए। आप उसको मेटल या मेटल वायर का भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। ये देखें, ये सारे पत्थर इस टाइप से मैं पेंट कर लूँगी सारे। ये देखिए, मैंने सारे पत्थर पेंट कर लिए हैं। आप देख सकते हो सूख भी चुके हैं, दोनों तरफ से मैंने पेंट कर चुकी हूँ। अब हम धागे से सब बताऊंगी मैं। ये देखिए धागे, बस लपेटना है इसको, एकदम पक्के तरीके से लपेटना है ताकि कुछ निकले नहीं। इस टाइप से सारे धागे लपेटना है। ये देखिए, ये मैंने कुछ लपेट के रखे हैं, आप इधर देख सकते हो। सबको मैंने धागा लपेटा है। अब हम थोड़ा फेविकॉल का यूज़ करेंगे। ये जो धागा हमने लपेटा है इसके ऊपर हम फेविकॉल लगा देंगे ताकि ये धागा जो है एकदम कड़क हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा नहीं। इस टाइप से और उसको ड्राई होने देंगे। धागे के ऊपर ऐसा पूरा लपेटना है। इस टाइप से धागा पैक हो जाएगा और निकलेगा नहीं कुछ भी। इसी टाइप से मैं सारे पत्थर को फेविकॉल लगा दूंगी। मैंने सारे पत्थर को धागा में लगा चुकी हूँ और ये हार्ड भी हो चुका है फेविकॉल लगाने के बाद। अब हम ये जो पत्थर है इनको इस टाइप से रखेंगे, सबसे ऊपर में बड़ा छोटा इस टाइप से हम रखेंगे इनको। देखिए इस तरह से। और ये जो पत्थर मैंने लिए दो हाथ में, उनको बस मुझे जोड़ना है। इसके लिए मैंने सुई में धागा पिरोया है और हम इसको इस टाइप से जोड़ते जाएंगे सारे पत्थरों को एक साथ। ये देखिए, पास पास में एकदम जोड़ना है, या थोड़ा गैप रहेगा थोड़ा सा तो भी चल जाएगा। और हम ऐसे दो तीन गठान उसमें लगा देंगे इस टाइप से, और कैंची से धागा काट लेंगे। इसी तरह से मैं एक दूसरे को ये पत्थर, अभी ये जो सारे पत्थर हैं हम इसको लगाते जाएंगे। इसको हम नीचे से लेंगे, सुई डालेंगे इसमें से और इधर से डालेंगे, बस एक दूसरे को जोड़ते जाना है। इस टाइप से और एक पक्की से ऐसे गठन लगाना है, दो तीन आप लगा सकते हो नॉट, ताकि ये निकलेगा नहीं। और हम कैंची से काट देंगे इस टाइप से। आप देख सकते हो एक दूसरे को लग चुके हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम मैं ये बाकी के जो सारे पत्थर्स हैं ये इनमें लगा दी जाऊँगी। ये देखिए, मैंने जो सारे पेबल्स थे वो एक दूसरे को इस टाइप से बांध दिए। ऐसी मालाएं छोटी छोटी मैंने चार बना ली है। मेरे पास जितने भी पेबल्स थे जो कि मैंने
कलर कर चुकी थी वो मैंने सब ऐसे एक दूसरे को बांध दिए, चार मालाएं मैंने किए। अब हम मेरे पास एक बांबू की छोटी सी लकड़ी है, आप देख सकते हो। अब हम इसको पेंट करेंगे, वाइट कलर से करेंगे और इसको सूखने देंगे। इस टाइप से मैं इसको कलर कर लूँगी पूरा। वाइट है, और भी कलर दे सकते हैं हम, या नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी जो पेंट मैंने दिया था ये भी सूख चुका है। अभी हम ये जो सारी जो मालाएं हैं जो मैंने बनाई थी चार, ये हम इसके ऊपर जोड़ देंगे। इसके लिए भी हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी, सुई और धागे की। देखिए इधर से मैंने डाला धागा और हम इसको ऊपर ऐसे बांधने के लिए करेंगे। ऊपर टाइटली बांधना है, दो तीन नॉट हम लगा देंगे इसको। इसी टाइप से मैं बाकी तीनों भी बांध लूँगी। ये देखिए मैंने सारे बांध चुकी हूँ और आप देख सकते हो इस टाइप से ये सारे मैंने इस बांबू को स्टिक को अटैच कर दिए। अब हम ऊपर से इसको हैंग करने के लिए लगाएंगे। इधर मैं सुतली लूँगी इसके लिए, जो कि जूट की रस्सी भी बोलते हैं इसको। इस टाइप से उसको दो तीन गठान हम लगा देंगे ताकि निकले नहीं। और इस टाइप से ऐसा हमको जितना चाहिए हैंग करना है उतना नाप का लेके हम उसको लगा देंगे दोनों साइड से इस टाइप से। और ये हमारा बालकनी DIY तैयार हो गया है, हैंगिंग बालकनी, हैंगिंग बोल सकते हैं इसको भी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार आप इसको बालकनी में अगर हैंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। मैंने ये हैंगिंग्स बालकनी में हैंग कर दिया है और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। आप भी इसी तरह से बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।